यस यस यस, क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? दोस्तों प्लीज मुझे बताइए, एम आई ऑडिबल और नॉट? यस, अब आई गेस आपको आवाज आ रही होंगी, जल्दी से मुझे बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइज। अब आई गेस आपको आवाज आ रही होंगी। तमन्ना वर्मा जी, स्वाति मिश्रा जी, राघव सदानंद, कृष्णा अशारिप, निशा कमरन, गुड इवनिंग, चंपक लाल गड़ा, गुड इवनिंग, सोनाली शुक्ला जी, गुड इवनिंग, खुशी रस्तोगी जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, रवीना गुड इवनिंग, प्रियंका शर्मा जी, गुड इवनिंग प्रियंका जी, गुड इवनिंग, यस यस यस, गुड इवनिंग खुशी। सो हेलो एवरीवन, आई एम मुनीश वोरा, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड दोस्तों मैं आपको पढ़ाता हूँ सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 4, जो कि है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। एंड ये वीडियो दोस्तों आपका रहने वाला है बीसी के चैप्टर 3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, ग्लोबल कंपनीज का लेक्चर 2 रहने वाला है ये वाला वीडियो। एंड आपको और एक चीज मुझे दोस्तों बताना है कि आज हमारा दोस्तों होने वाला है 6:15 बजे, राइट 6:15 PM को अन अकेडमी ऐप पे होने वाला है दोस्तों, कौन बनेगा इकोनॉमिक्स किंग। यस, गुड इवनिंग तमन्ना, सोनाली, नितिन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, 6:15 बजे होने वाला है दोस्तों, कौन बनेगा इकोनॉमिक्स किंग। आज प्रणाम सर की क्लासेस नहीं है, सो आज मैं उनके बदले क्लास लेने वाला हूँ, कौन बनेगा इकोनॉमिक्स किंग। सो आप सबको आना है इसके लिए। इसमें मेजरली हम इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 एंड बस 2-3 MCQs है जो मैं आपको इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 के पूछूंगा, तो मेजरली इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 के MCQs होने वाले हैं। यस, अन अकेडमी ऐप पे होने वाले हैं। आप मेरे प्रोफाइल में जाके इस वीडियो पे जाके क्या करेंगे बताओ, नोटिफाई मी वाला बटन क्लिक कर देंगे, राइट, नोटिफाई मी वाला बटन क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद, इस वीडियो के जस्ट बाद होने वाला है। सर क्वीन भी हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये किंग क्या है, किंग एंड क्वीन दोनों हो सकता है, राइट, इकोनॉमिक्स किंग भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स क्वीन भी हो सकता है, ठीक है। यस, गुड इवनिंग, क्या नाम है, आहा, आहा नाम है, ओह है ना, AHA, आहा नाम है, क्या जबरदस्त यार, जबरदस्त। यस सर, करके आए सर नोटिफाई, तो पहली करके आया बोल रहे हैं खुशी जी, ठीक है। यस चलिए, सो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दी गई है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगर आप दोस्तों अनअकैडमी के पास फुल कोर्स स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना चाहिए। यहाँ पे आपको 2 तरह के क्लासेस मिलते हैं, एक होता है आपका स्पेशल क्लासेस जो कि पूरे के पूरे फ्री होते हैं, एंड बाकी के जो क्लासेस होते हैं, अगर आप फुल कोर्स स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, जिसमें आपके साथ नहीं, आप प्रियंका जी आप भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, ठीक है, आप भी बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो देखिए जल्दी से, आपके पास 3 ऑप्शन है दोस्तों, प्लस, आइकॉनिक या कॉम्बो का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी ऐप पे। यहाँ पे दोस्तों देखिए, प्लस में आपको सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के स्ट्रक्चर्ड बैचेस कोर्सेज मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेंगे, रेगुलर टेस्ट सीरीज क्विजेस होंगी आपकी। लेकिन अगर आप, आपके अंदर एक एक्स फैक्टर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं रैंक की तैयारी करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं दोस्तों प्लस के, एंड कुछ एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि पर्सनल कोच जो आपको स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करेगा, जो खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, आप अनअकैडमी ऐप के थ्रू उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे फैकल्टीज के, लर्निंग प्रोग्रेस ट्रैकर मिलेगा, आपका अलग से डेडिकेटेड डिस्कशन चैनल बनाया जाएगा आपका, जिसमें सिर्फ आइकॉनिक के स्टूडेंट्स होंगे, सेशंस विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, सीए बनने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी जरूरी है, तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ आपके सेशंस भी करवाए जाएंगे। एंड अगर आप दोस्तों 11th-12th की क्लासेस पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी के पास, एंड उसके साथ सीए पढ़ना चाहते हैं, तो आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। क्या बातें समझ में आ रही है बताइए।
यस 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 मी अभी क्यों बोल रहे हैं ना, के जी फायर के 11। आपका नाम क्या यार, बता दो यार, नाम भी बता दो, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब जो है दोस्तों, आपको अपने पेरेंट्स को बोलना है मम्मी पापा प्लीज अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेके दो ना, तो वो आपको पूछेंगे बेटा क्या बेनिफिट्स है। तो आपको क्या करना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके उनको बताना है एंड उनको बोलना कि देखो मम्मी ये सारे अन अकेडमी के बेनिफिट्स हैं, एंड साथ ही साथ अगर आप एमबी सर कोड यूज करेंगे तो 10% का ऑफ भी मिलता है, ठीक है। सो आइए, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो हमेशा 1 साल या 2 साल का ही सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि जो है दोस्तों आपको यहाँ पे फाउंडेशन के 4 एंड इंटरमीडिएट के 8 पूरे 12 सब्जेक्ट की क्लासेस मिलती है। एंड अगर आपको इन अमाउंट्स में चाहिए डिस्काउंट, तो एमबी सर कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। आपको कहीं और से भी कॉल आए कि हम आपको ज्यादा डिस्काउंट देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, प्लीज विश्वास ना करें, एजुकेटर्स के ही रेफरल कोड यूज किया कीजिए, एजुकेटर्स के ही कोड यूज किया कीजिए, वही सही चीज होती है, राइट। साथ ही साथ आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन 18,900 में मिलेगा, ऐसा पूरे इंडिया में कहीं और नहीं होता है, ये प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, मैं पहले से आपको बता रहा हूं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइकॉनिक में देखिए जल्दी से। आइकॉनिक में भी 1 साल 2 साल का ऑप्शन है, डिस्काउंट चाहिए एमपी सर कोड यूज करें तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 साल मिलता है 38,295 में एंड 2 साल मिलता है 58,095 में। ये फाउंडेशन और इंटर दोनों की क्लासेस की बात कर रहा है, एक साथ सारी क्लासेस का आपको एक्सेस मिलता है 1 साल या तो 2 साल के लिए, एंड मल्टीपल फैकल्टीज मिलती है आपको एक सब्जेक्ट के लिए अन अकेडमी पे, राइट। आगे बढ़ते हैं, हमारा मिशन सक्सेस बैच 15 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, आप चाहे तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं हमारे मिशन सक्सेस बैच को, राइट। एंड एमबी सर कोड ही यूज करें तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, यस। एंड फाइनली मुझे फॉलो करें, मुझे फॉलो करने की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो मुझे फॉलो करें। आज जैसे आज सुबह हमने एक धासु लेक्चर लिया था इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 का, राइट, उसी तरह से आज मैं 6:15 बजे मैंने आपको जैसे बताया हमारा एमसीक्यू क्विज होने वाला है, तो उसमें जरूर आइए, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है उसमें, यस। इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 पे होगा सदानंद जी, इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 पे ही होने वाला है, यस सर। सर हमारे खुशी जी बोल रहे कि हमारी उंगलियों को हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, मिसक्लिक हो जाता है ना, कोई बात नहीं है खुशी जी, आप भी टॉप पे आएंगे। चलिए देखते हैं कि कौन टॉप पे आता है, वो तो क्विज में ही पता चलेगा, 6:15 बजे सब लोग क्विज में आ जाना, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से, हम ग्लोबल कंपनीज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 जो था ग्लोबल कंपनीज का, उसमें मैंने आपको बताया था कि अभी जो है आपके ग्लोबल कंपनीज में से एक कंपनी माइनस हुई है एंड 2 कंपनीज ऐड हुई है। जो कंपनी माइनस हुई है वो है दोस्तों डॉचे बैंक या ड्यूश बैंक या डॉचे बैंक, राइट। एंड जो 2 कंपनीज ऐड हुई है वो है दोस्तों अमेज़न एंड गोल्डमैन। ये मैं सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल कंपनीज की बात कर रहा हूं, इंडियन कंपनीज में फ्लिपकार्ट ऐड हुई है, ठीक है, यस। तो अभी हम इन क्लासेस में पहले क्या करेंगे, हम ये देखो जो हमारी न्यू कंपनीज ऐड हुई है वो कौन सी बताओ, आपकी Amazon, देन आपका ऐड हुआ है Goldman, एंड तीसरा हुआ है Flipkart। तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो ले लूंगा Unacademy ऐप पे, ताकि आपको उसके नोट्स भी मिल जाए, है ना। मैं आपको इसके नोट्स भी दे दूंगा, Unacademy ऐप पे क्लास ले लूंगा जो आपकी न्यू कंपनीज है उसके ऊपर, ठीक है। गुड इवनिंग या आयुष केडिया जी, गुड इवनिंग, यस। तो ये तीनों के ऊपर मैं क्या करूंगा, ले लूंगा अलग से क्लास। प्रियंका शर्मा जी, फ्लिपकार्ट वो इंडियन कंपनी में ऐड हुआ है ना, समझ में आ रही बात है, मैं अभी ग्लोबल की बात कर रहा था, ठीक है। लेकिन ये तीनों के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो आपको अमेंडमेंट वाला वीडियो वो रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब आइए दोस्तों, आइए इनकॉर्पोरेशन ईयर्स की बातें करते हैं। मैंने ये भी आपको याद करवा दिया था, 1800s में 3 कंपनीज आती है दोस्तों, कौन सी कौन सी, अमेरिकन एक्सप्रेस, नेस्ले, गोल्डमैन, 1850, 1866, 1869। Then 1910s में एक ही कंपनी आती है, इंडियन कंपनीज में भी एक ही थी, यहां पे भी एक ही है, वहां पे थी ITC, यहां पे है IBM, ITC, IBM, right? So IBM कब आई है दोस्तों, 1911 में आई है। 1930s में दोस्तों आई है हमारी HP आई है 1930s में, 1939 में आया है HP,
देन 1960s में दो कंपनीज आई है दोस्तों, इंटेल एंड वॉलमार्ट 1968 एंड 1969। देन 1970s वाले पीरियड में माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल एक दूसरे के क्या है बताओ, बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल दोनों सेम समय पे आए हैं, इसलिए ये भी एक कारण है कॉम्पिटिटर्स होने का। सो माइक्रोसॉफ्ट जो है 1975 में आया एंड एप्पल देन 1977 में आया। देन न्यू कंपनी जो ऐड हुई है वो है 1990s में आई हमारी अमेजोन 1994। मैंने इसका भी आपको लॉजिक बताया था कि ये इतनी लेट क्यों आई है, क्योंकि इंटरनेट का जमाना भी थोड़ा सा लेट आया था, इसीलिए अमेजोन 1994 में आई हुई है जब इंटरनेट का जमाना आ चुका था। एंड देन अमेजोन का जो इंडियन वाला पार्ट है ना, अमेजोन इंडिया, वो 2012-2013 ये साल में इंडिया में आया था अमेजोन अपने ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए। तो ये हमारे इनकॉर्पोरेशन ईयर की बातें हो गई। देन अब आता है दोस्तों हेडक्वार्टर की बातें। जल्दी से बताना है वॉलमार्ट का हेडक्वार्टर है ना, वॉलमार्ट का हेडक्वार्टर जिसमें हमारा आईजी सर भी गलती कर दिए थे दोस्तों। नागपुरी टॉक शो में गलती हो गई थी आईजी सर से, उन्होंने वॉलमार्ट का गलत हेडक्वार्टर बताया था। अब उन्होंने मेरी क्लास नहीं देखी थी, अब क्या करें, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या बोला था कि देखो वॉलमार्ट में इतने भारी डिस्काउंट्स मिलते हैं, वहां पे इतनी भीड़ होती है कि लोगों को वॉलमार्ट में सांस लेने में दिक्कत होती है। तो अरकनसास यूएस है ना, अरकनसास यूएस जो है दोस्तों वो है हेडक्वार्टर ऑफ वॉलमार्ट। देन नेस्ले कंपनी दोस्तों क्या करती है, वो स्विस चॉकलेट बनाने के लिए फेमस है, इसलिए वेवी स्विट्जरलैंड में क्या है बताओ, नेस्ले का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट वॉशिंगटन में दोस्तों दो कंपनी के हेडक्वार्टर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजोन। तो इसके लिए मैंने आपको बोला था कि देखो, इसके लिए मैंने बोला था वॉशिंगटन डब्ल्यू को अगर उल्टा करते हैं तो हमको मिलता है एम, एंड एम से पूरे 100 कंपनी में से एक ही कंपनी का नाम है, वो है माइक्रोसॉफ्ट, एंड दूसरी कंपनी है अमेजोन जिसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन में भी है। इसका भी मैंने आपको लॉजिक बताया था कि अमेजोन का जो फाउंडर था जेफ बेजोस, उन्होंने जानबूझ के वॉशिंगटन में ही अपना हेडक्वार्टर स्टार्ट किया। वॉशिंगटन में भी एक सिटी है जिसका नाम है दोस्तों सियाटल, दोनों आपका माइक्रोसॉफ्ट भी सियाटल वॉशिंगटन में है एंड अमेजोन भी सियाटल वॉशिंगटन में है। तो अमेजोन ने जानबूझ के वहीं पे अपना हेडक्वार्टर ओपन किया, क्योंकि जेफ बेजोस ऐसा सोचते थे कि माइक्रोसॉफ्ट जहां पे है वहां पे जिस तरह के लोग रहते होंगे वो काफी टैलेंटेड होंगे, तो मैं मेरी कंपनी भी वहीं पे ओपन करना चाहता हूं। समझ में आ रही बातें क्या बोल रहा हूं। हर्षिता तोशी जी, कोई बात नहीं, गुड इवनिंग। यस सर, आपने उनको चैट देखने नहीं दिए वरना हम बता देते, प्रियंका जी बोल रहे हैं। तो प्रियंका जी, पर उस समय पे नागपुरी टॉक शो में मुझ में और आईजी सर में था ना महासंग्राम, आपके साथ थोड़ी ना था, ठीक है। अब वो तो ऑब्वियस ही बात है ना। चलिए आगे देखते हैं, है ना। अगली बार मैंने उनको बोल दिया है कि अगली बार सर आप तैयारी करके आएंगे, है ना। अब अगली बार जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हारने वाला हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब आईजी सर है कि यार अब तो मैं जबरदस्त तैयारी करके आने वाला हूँ अगली बार, ठीक है। और अगली बार आपके लिए एक नया, हम और एक जन को लेकर आएंगे हमारे एनटीएस में, है ना। हम और एक जन को लेकर आएंगे, मैं रहूंगा, आईजी सर रहेंगे और एक जन रहेगा एनटीएस में, देखते हैं कौन होगा वो, ठीक है। गुड इवनिंग दानियल जी, गुड इवनिंग। यस, आगे बढ़ते दोस्तों, न्यूयॉर्क का देखेंगे। न्यूयॉर्क में तीन कंपनीज के हेडक्वार्टर से कौन से बताइए, अमेरिकन एक्सप्रेस, आईबीएम एंड गोल्डमैन। देन वापस से कैलिफोर्निया में भी तीन कंपनीज के हेडक्वार्टर है दोस्तों, एचपी इंटेल एप्पल। तीन कंपनीज के हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। मैंने आपको बोला था एप्पल के प्रोडक्ट्स में भी लिखा रहता है डिजाइन इन कैलिफोर्निया, ऐसा हर एप्पल के प्रोडक्ट पे लिखा होता है पीछे के साइड में। अगर आपके पास कोई भी एप्पल का प्रोडक्ट होगा तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। प्रियंका शर्मा जी, नहीं अंशुल सर नहीं होने वाले हैं, मैं पहले से बता देता हूं, ठीक है, है ना, नहीं होने वाले हैं, ठीक है। यस, नहीं स्वाति मैम भी नहीं होने वाली है, बस स्वाति मैम भी नहीं होने वाली है। सर आपको क्या मिला है एनटीएस में विनर होने का? कुछ नहीं मिला दोस्त, बस खुशी मिली मुझे, और कुछ भी नहीं मिला मुझे। मुझे बस खुशी मिली, है ना, खुशी मिला, हैप्पीनेस मिली मुझे जीत के, बस और कुछ भी नहीं मिला मुझे मिला, ठीक है, एनटीएस को जीतने के बावजूद। निशान सर भी नहीं है, प्रियंका शर्मा जी निशान सर भी नहीं आने वाले, बताओ अब बताइए, है ना। तो मिस्ट्री है वो, कौन आने वाले हैं तीसरे हमारे एनटीएस में, ठीक है।
चलिए हाँ, तो अब देखेंगे एंड अमेजोन का जो इंडिया का जो का जो है सब्सिडियरी, वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बताइए? हैदराबाद में, ठीक है। सो ये मैंने इनकॉर्पोरेशन ईयर एंड हेडक्वार्टर्स की बातें की है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ग्लोबल कंपनीज का मैनेजमेंट टीम की भी ये जो समरी है, ये अपडेटेड समरी है। मैंने इसमें सारे कंपनीज का अपडेटेड मैनेजमेंट टीम के लोगों का नाम लिखा हुआ है, पूरी अपडेटेड समरी है। क्या आपने मेरा इंडियन कंपनीज वाला रिविजन देखा बताइए? क्या आपने मेरा इंडियन कंपनीज वाला रिविजन देखा है क्या? उसमें मैंने जिस तरह से समरी बनाई थी, उस तरह के ही समरी में आपको इसके लिए भी बना के दूंगा। अरे ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, होता है। वैसे ही मैं आपको इसके लिए भी समरी बना के दे दूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है, और वो समरी से भी हम फिर पढ़ेंगे सब लोग, ठीक है। हम उस समरी से भी रिवीजन आपको करवा के दूंगा। प्रियंका जी, मेरे साथ सबको छोड़ो, मुझे बुला लीजिए, ठीक है। प्रियंका जी ट्राई करेंगे आपको भी बुलाना, ठीक है। सर मैं उसी से रिवाइज करता हूँ, बहुत हेल्पफुल हो रहा है, कृष्णा जी बोल रहे हैं, क्या बात है। क्या अब बताइए, अभी तो इंडियन कंपनीज तो छप चुकी है अब दिमाग में, सबको इंडियन कंपनीज का डेटा मेरे हिसाब से तो याद हो गया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो देख लो, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब सिर्फ रिविजन वीडियो देखने की, आप सिर्फ रिविजन वीडियो देखो, आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज हो जाएंगे इंडियन कंपनीज के। आइए दोस्तों, अब मैंने जो है ग्लोबल कंपनीज में जो है आपके लिए, मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस की बातें ऑलरेडी कर ली थी लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में अमेरिकन एक्सप्रेस की बातें हो चुकी थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमको फिर बातें करना था दोस्तों। हाँ ये वाली चीज बात करनी थी, एक तो मुझे उस दिन ना एक ग्रुप पे भी एक मैसेज आया था कि सर LLP और LLC में फर्क क्या होता है ना। तो अब मैं बताना चाहता हूँ, LLP जो शब्द है वो क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, जो हमारे इंडिया में आता है LLP। अब LLC क्या है? जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे बताइए रिलायंस कंपनी के आगे क्या लिखा रहता है? प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लिखा रहता है बताइए? रिलायंस कंपनी के आगे क्या लिखा रहता है? लिमिटेड लिखा रहता है या प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है, प्लीज बताइए। हाँ प्रियंका बोलिए, सर LLP तो लॉ में है, LLC का पता नहीं। वाह वाह वाह, वेरी गुड, है ना। तो रिलायंस के आगे लिख रहा था दोस्तों लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड। क्यों ऐसा? क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है। इंडिया में जो भी पब्लिक कंपनीज होती है उन सबके नाम के आगे सिर्फ लिमिटेड शब्द लिखा होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मेरी भी एक कंपनी है, जिसका नाम है दोस्तों MV Foods। अब मेरी जो कंपनी है वो लिस्टेड नहीं है स्टॉक मार्केट में, ये एक प्राइवेट कंपनी है ना। तो क्या है बताओ? इसका नाम है दोस्तों MV Foods प्राइवेट लिमिटेड। मतलब क्या? ये लिमिटेड शब्द क्या बताता है? लिमिटेड शब्द ये बताता है कि आपके कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। आप पढ़ते हैं ना BC के चैप्टर 1 में भी पढ़ते हैं कि कंपनी के शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। आप जो है लॉ में भी वो चीज पढ़ते हैं, है ना। तो वही चीज ये लिमिटेड शब्द दर्शाता है। एंड प्राइवेट शब्द क्या दर्शाता है? अगर वो कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिखा होता है, अगर वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, प्राइवेट कंपनी नहीं है, तो प्राइवेट शब्द नहीं लिखा होता उसमें। अब ये जो नॉमेनक्लेचर है, इसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर, कि इंडिया में हम इस तरह से कंपनीज को आइडेंटिफाई करते हैं। प्राइवेट कंपनी के नाम में प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, पब्लिक कंपनी के नाम में सिर्फ लिमिटेड शब्द लिखा होता है। बस इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स में, USA में, अगर मुझे पब्लिक कंपनी को बताना है तो अगर रिलायंस कंपनी जो है अगर वो USA में बनी होती तो उसका नाम होता रिलायंस LLC। समझा बात? कुछ ऐसा कोई भारी चीज नहीं है, बात वही है। वो क्या है, हम जब USA में बात करते हैं पब्लिक कंपनी की तो वो लोग अपने पब्लिक कंपनी को दर्शाने के लिए नाम के आगे LLC लगा देते हैं। समझा बात है क्या बोल रहा हूं, प्लीज मुझे बताइए। क्या ये बातें समझ में आ रही है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जल्दी बताइए। सो देखिए, लाइक इन इंडिया,
लाइक इन इंडिया वी यूज लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर द कंपनीज नेम टू आइडेंटिफाई द कंपनी इज पब्लिक और इट इज अ प्राइवेटली ओन्ड कंपनी. उसी तरह से हर कंट्री अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी यूज करती है, अपना अपना नॉमेनक्लेचर यूज करती है. जैसे कि आप INC या कॉरपोरेशन या CORP. या LLC ये सारे शब्द कौन यूज करता है? यूनाइटेड स्टेट्स में कंपनीज को डिनोट करने के लिए हम कंपनी के नाम के आगे ये सारे शब्द यूज करते हैं. समझ में आ रही बातें? देन GmbH, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है बताओ? ये है जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन GmbH जो है वो जर्मनी में यूज किया जाता है ये डिनोट करने के लिए कि एक कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी है ना, मतलब पब्लिक कंपनी है उसके लिए. तो GmbH जर्मनी में कंपनीज के नाम के आगे लगता है. मतलब अगर रिलायंस कंपनी जर्मनी में बनी होती तो उसका नाम होता रिलायंस GmbH. क्या समझ में आया क्या नाम है? सही है, प्रोनाउंस कैसे होगा अशारिफ जी आपको पूछेंगे नहीं, ये जर्मन में लिखा है और जर्मन तो मैंने अभी तक सीखा नहीं है, है ना, ये जर्मन भाषा में लिखा हुआ है. ठीक है जी, चलिए क्या आगे बढ़े मुझे प्लीज बताइए. हाँ बात वही है, सोच नहीं है. बिल्कुल सही बात है राघव जी, बिल्कुल सही बात है. रिश्ता वही, सोच नहीं. यस, रिश्ता वही, सोच नहीं. चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से. नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब हम बातें करेंगे दोस्तों नेस्ले कंपनी की. बातें करेंगे जल्दी से, बताइए मुझे नेस्ले कंपनी का आपके बुक में कौन से पेज नंबर पे है नेस्ले? ICS स्टडी मटेरियल में कौन से पेज नंबर पे है नेस्ले? जल्दी से बताइए, फास्ट. जितना जल्दी बताएंगे उतना जल्दी हम उतनी ज्यादा से ज्यादा कंपनीज कवर कर पाएंगे इस वीडियो में. जल्दी से मुझे बताइए कि नेस्ले जो कंपनी है उसका आपके बुक में कौन से पेज नंबर पे दिया है डेटा, बताइए. 3.60. आशारिफ जी इस बार भी फास्टेस्ट है, पिछली बार भी वही फास्टेस्ट थे, इस बार भी वही फास्टेस्ट है. पेज नंबर 3.60 में दिया है आपके स्टडी मटेरियल में. यस, वेरी वेरी गुड कृष्णा, प्रतीक, राघव, अगस्त्य, बबीता जी, वेरी वेरी गुड. सो नेस्ले का जो स्लोगन है उसका नाम, नेस्ले का जो स्लोगन है दोस्तों सबसे पहले वो देखेंगे, क्या है स्लोगन बताइए? इसका स्लोगन है दोस्तों गुड फूड गुड लाइफ, है ना. अगर अच्छा खाना मिल गया तो जीवन तो अच्छा होगा ही ना, है ना. तो गुड फूड गुड लाइफ, ठीक है, इसका स्लोगन है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार MCQs में आता है. इन कॉर्पोरेशन ईयर कब क्या है बताओ? इन कॉर्पोरेशन ईयर क्या है बताइए? इन कॉर्पोरेशन ईयर है 1866. देन नेस्ले जो है स्विस चॉकलेट बनाने के लिए फेमस है, वेवी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है. नेक्स्ट, मैंने ना इसके देखो चेयरमैन के नाम पे भी ना एक मेमोरी टेक्निक बनाई है. देखो नेस्ले मैंने आपको क्या बोला है, स्विस चॉकलेट बनाने के लिए फेमस है, ठीक है, ठीक है, है ना, ओके. मुझे बताओ क्या आपको चॉकलेट बल्क में खाना अच्छा लगता है? है ना, बहुत सारी चॉकलेट्स मिले तो कितनी खुशी मिलती है, क्या चॉकलेट बल्क में खाना पसंद है मुझे बताओ? यस, तो ये बल्क शब्द याद रखना है क्योंकि इसके चेयरमैन का नाम क्या है, देखो जल्दी से, इसके चेयरमैन का नाम क्या है? पॉल बल्क, है ना, चेयरमैन का नाम क्या है? पॉल बल्क. तो अगर आपको MCQ आया कि पॉल बल्क इज द चेयरमैन ऑफ विच कंपनी, तो बल्क में चॉकलेट खाना पसंद है, तो पॉल बल्क. समझ में आ रही बात है? यस, तो पॉल बल्क कौन है बताओ? इसके इसके चेयरमैन, ठीक है. हाँ नेक्स्ट देखो, हाँ नेक्स्ट देखो, देन इसका CEO का नाम देखो क्या है, उल्फ मार्क श्नाइडर, ओहो हो खतरनाक. CFO का नाम क्या है, फ्रांसिस, है ना, क्या है बताओ CFO का नाम? फ्रांसिस हैवियर रॉजर, है ना, वो शेवियर या हैवियर भी उसको बोलते हैं, फ्रांसिस हैवियर रॉजर इसका नाम है CFO का. तो ये नाम याद मत रखे, पर कम से कम पॉल बल्क नाम याद रखे चेयरमैन का, ठीक है, कम से कम वो तो नाम याद रखे, जो बाकी याद नहीं और उसको नहीं रखने का, टेंशन नहीं लेने का ज्यादा जीवन में, ठीक है. पॉल बल्क नाम याद रखना है आपको, ठीक है. यस, हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे. अच्छा मोहिनी भी आ गई, अच्छी बात है. नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेस्ले इज अ स्विस ट्रांसनेशनल, ट्रांसनेशनल मतलब क्या, वही मल्टीनेशनल, कि अलग अलग कंट्रीज में इसके गुड्स बिकते हैं. ट्रांसनेशनल फूड एंड ड्रिंक कंपनी, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी. MCQ आएगा कि डैश कंपनी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी, तो नेस्ले को टिक मारेंगे.
प्लीज उसको टिक मारे जल्दी से। नेक्स्ट इसका फाउंडर का नाम बताइए जल्दी से, फाउंडर कौन है? हेनरी नेस्ले, इसके फाउंडर का नाम है हेनरी नेस्ले। अब इसकी कहानी देखो कैसे स्टार्ट हुई। 1867 में चार्ल्स एंड जॉर्ज पेज ये दो बंदे थे जिन्होंने एंग्लो स्विस कंडेंस्ड मिल्क कंपनी स्टार्ट की थी। तो चार्ल्स एंड जॉर्ज पेज इन दोनों ने मिलके एंग्लो स्विस कंडेंस्ड मिल्क कंपनी स्टार्ट की थी। और फिर क्या हुआ बताओ, 1879 में नेस्ले मर्ज हो गया डैनियल पीटर के कंपनी के साथ, मर्ज विद द मिल्क चॉकलेट इन्वेंटर डैनियल पीटर। एंड 1905 में नेस्ले कंपनी और ये एंग्लो स्विस कंपनी, ये दोनों कंपनीज मर्ज हो गई। ठीक है सर, क्या इतना डेटा याद रखना है? नहीं, मैं आपको ऐसी बता रहा था। ठीक है, एमसीक्यू आने के चांसेस कहां पे ज्यादा है वो बता देता हूं आपको मैं। आपको हेनरी नेस्ले याद रखना है, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड एंड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी। ये आपको इतना याद रखना है कि नेस्ले एंग्लो स्विस कंडेंस मिल्क के साथ मर्ज हुआ था, ये याद रखना है। चार्ल्स जॉर्ज पे डैनियल पीटर, ये याद रखने की जरूरत नहीं। एंड ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेस्ले इंडिया में कब आया था। नेस्ले इंडिया में आया था दोस्तों 1923 में। एमसीक्यू आ सकता है कि नेस्ले इंडिया में कब आया था। जितना मैंने अंडरलाइन किया है उतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट, विजन में पूरा विजन याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसका स्लोगन याद रखना है, गुड फूड गुड लाइफ। सिर्फ इतनी चीज याद रखे इसका स्लोगन क्या है। देन इसके जो प्रोडक्ट्स है, वो देखे कौन से हैं। कुकी डो, मैगी नूडल्स, नेस कैफे, पपरा 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 नेस कैफे, है ना। फिर एंड में आता है नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ, ऐसा ऐड आती है। ठीक है हाँ, तो आगे देखे दीपा साबू जी, 60 क्वेश्चंस बिजनेस इकोनॉमिक्स से आते हैं, अराउंड 40 क्वेश्चंस बीसी के से आते हैं। सीधी सी बात है, ये तो फर्स्ट लेक्चर में हम बताते हैं, 60 मार्क का इकोनॉमिक्स आता है, 40 मार्क का बीसी के आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों किटकैट, है ना। किटकैट भी किसका है बताओ? नेस्ले का है। किटकैट भी किसका है बताओ? नेस्ले का है। देन स्मार्टीज, नेस्क्विक, स्टूफर्स, विटल, मिल्कमेड, कार्नेशंस, किसका है? नेस्ले का है। सारे नाम याद रखने का नहीं, कॉमन याद रखो। मैगी नूडल्स भैया नेस्ले का है, नेस्कैफे, किटकैट ये नूडल्स का, ये अपना नेस्ले का है। बस इतनी बातें याद रखें, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं जीवन, ज्यादा टेंशन लेने का। ठीक है यस, आगे बढ़ते हैं। और क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं? पोर्टफोलियो में और इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इन्होंने कौन सी कंपनीज को अक्वायर किया था। अब फिर से ये जो बात है थोड़ा सा याद रखने के लिए डिफिकल्ट है, कौन सी कंपनी को एक्वायर किया था ये याद रखने का डिफिकल्ट है। देखो कौन सी है, मतलब नाम लेने में भी दिक्कत है, याद रखना तो छोड़िए, नाम लेने में दिक्कत होंगी। देखो क्या है, सैन पेलेग्रिनो, स्पिलर्स पेट फूड, रोलस्टोन पुरीना, शेफ अमेरिका, डेल्टा आइसक्रीम। देखो शूफुशी, है ना, शूफुशी इंटरनेशनल लिमिटेड, सीएमडी फार्मा, प्रोमिथियस लैबोरेटरीज। अरे बाप रे बाप रे बाप, है ना, बाप रे, बहुत ही ज्यादा नाम सर, नाम पढ़ना नहीं हो रहा, याद क्या करेंगे? तो याद नहीं करने का ये, ठीक है, इसको याद नहीं करने का। इस पे वैसे भी कोई एमसीक्यू आज तक पूछा नहीं, ये वाले पार्ट में अभी तक कोई भी एमसीक्यू पूछा नहीं है, तो उसको याद करने का ही नहीं, उसको मार्क करने का ही नहीं। मार्क क्या करना है, ये चीज करना है, इस पे एमसीक्यू आता है। ठीक है, अशारिफ जी बोले सर ये कौन सी लिपि है? हाँ अशारिफ जी, ये जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। ठीक है हाँ, चलिए देखिए, अब जो है नेस्ले ने कुछ कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर्स किए थे, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। कौन से देखो, इन्होंने जनरल मिल्स, कोका कोला, लैक्टलिस एंड कोलगेट पामोलिव, इन चार कंपनीज के साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर किया था। अब एमसीक्यू आता है कि इसमें से विच ऑफ द फॉर, मतलब कौन से कंपनीज के साथ, है ना, कौन से कंपनीज के साथ नेस्ले ने जॉइंट वेंचर किया था। एंड उसमें एक ऑप्शन होता है, जैसे ऑप्शन ए पेप्सी, ऑप्शन बी कोका कोला, ऑप्शन सी देगा आपको स्टारबक्स, एंड ऑप्शन डी कुछ तो भी देगा। अब बच्चों को देखो कंफ्यूजन कैसा होता है, यहां पे देखो क्या लिखा है कि नेस्ले का कॉम्पिटिटर कौन है बताओ? स्टारबक्स नेस्ले का कॉम्पिटिटर है, है ना, उसका कॉम्पिटिटर है स्टारबक्स। नेस्ले भी कॉफी बनाता है, नेस्कैफे वाली, स्टारबक्स वाले भी कॉफी बेचता है,
है ना, स्टारबक्स वाला भी कॉफी बेचता है। तो नेस्ले और स्टारबक्स क्या है, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है, ज्वाइंट वेंचर नहीं है दोनों का कोई भी। तो किसको टिक मारेंगे, कोका कोला को टिक मारेंगे कि नेस्ले ने कोका कोला के साथ ज्वाइंट वेंचर किया था। ये वाला एमसीक्यू आया हुआ है इसलिए आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये वाला एमसीक्यू आया है इसलिए आपको मैं बता रहा हूं। आगे बढ़ते दोस्तों, इसका 41st रैंक है दोस्तों वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन लिस्ट 2020 में, एंड इसका 79th रैंक है फॉर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉय लिस्ट 2019 में। अब मैंने थोड़ा और इस चैप्टर पे रिसर्च किया एंड मुझे पता चला कि वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट जो थी, जो कि 2020 वाली जो लिस्ट थी, वो इशू हुई थी दोस्तों, कब इशू किया फॉर्ब्स वालों ने, अक्टूबर महीने में इशू किया। और हमारा स्टडी मेटल कब बना, हमारा स्टडी मेटल कब बना आईसीएआई का, वो भी दोस्तों अक्टूबर महीने में बना। अक्टूबर महीने में क्या हुआ बताओ, अक्टूबर महीने में प्रिंटिंग चालू हो गई थी। तो अब ऑब्वियस सी बात है ना, अगर अक्टूबर महीने में प्रिंटिंग चालू हुई तो इसको फाइनलाइजेशन इन्होंने एक दो महीने पहले ही कर लिया होगा, समझ में आ रही बात है ना, लगभग लगभग अगस्त महीने में ही उन्होंने पूरा स्टडी मटेरियल को फाइनलाइज कर लिया होगा। और इसीलिए चूंकि जो है ये बेस्ट एम्प्लॉय लिस्ट वाला लिस्ट आया ही नहीं था नया वाला, इसीलिए उन्होंने आपके बुक में अभी 2019 की लिस्ट दी है। क्या फील आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या आपको फील आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जल्दी बताइए क्या आपको फील आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यस, देखो मैं इतना रिसर्च करके आ गया अब तो आपके लिए कि क्यू इंस्टीट्यूट ने 2019 का ही रैंक दिया बेस्ट एम्प्लॉयर वाले में, ठीक है, यस। तो कोई बात नहीं, हम 2019 वाले रैंक याद रखेंगे, दिक्कत की बात थोड़ी ना है, दिक्कत की बात थोड़ी ना है, ठीक है। तो ये देखो, अब रैंक जो है 100 के नीचे है, आपको मैंने ट्रिक बताया था, रैंक 100 के नीचे है तो याद करना पड़ेगा भैया, याद करना पड़ेगा भैया, है ना। तो 41st रैंक है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन लिस्ट में एंड 79th रैंक है वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर वाले लिस्ट में, ये याद रखना पड़ेगा, प्लीज प्लीज याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, बस बाकी कुछ याद नहीं रखना है, जितना मैंने बताया। देखो इस पे एमसीक्यू आएगा, इस पे एमसीक्यू आ सकता है, इस पे आ सकता है एमसीक्यू, देन आइए इधर आइए जल्दी से, इसमें मैंने जितना जितना मार्क किया है उतना उतना मार्क करें, उस पे एमसीक्यू आने के चांसेस ज्यादा है, वेट, उस पे एमसीक्यू आने के चांसेस ज्यादा है। चलिए, क्या आप सब मेरे साथ साथ मार्किंग कर रहे हैं, क्या क्या आप मेरे साथ साथ मार्किंग कर रहे हैं, संग संग मार्किंग करना है मेरे, है ना, मेरे संग संग मार्किंग करें तो आपको ज्यादा मजा आएगा। फिर आप बोलेंगे यार सर मैं मार्किंग बाद में करता, आज तो बस प्रवचन सुन लेता हूं आपका, बाद में मार्किंग करेंगे, ऐसी हरकतें ना करें। पहले ही दोस्तों समय बहुत कम बचा है, पहले ही अभी समय बहुत कम बचा है, टाइम बहुत कम बचा है, प्लीज साथ साथ में मार्किंग कर ले। यस, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंपनी देखते हैं दोस्तों जल्दी से, नेक्स्ट देखते हैं IBM। IBM एक बार 1800s वाली कंपनी मुझे रिवाइज करवा दोगे क्या, इनकॉर्पोरेशन ईयर जिसका 1800s में है, जल्दी जल्दी एक बार रिविजन करवा दोगे क्या मुझे, प्लीज मैं भूल गया, प्लीज आप मुझे रिविजन कराओगे, कौन सी कंपनी थी 1800s में बताओ, हमारे ग्लोबल कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, ग्लोबल कंपनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1800s में कौन सी कंपनी थी प्लीज बताओ ना मुझे, प्लीज बताओ ना मुझे। यस राघव जी ने पहले बता दिया, सर आप पूछोगे ना उसके पहले बता दो, ये 3.55 में है, ओके ये पेज नंबर 3.55 में है, ठीक है, यस, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड कृष्णा, वेरी वेरी गुड। सर देखो अमेरिकन एक्सप्रेस था सबसे पहले, देन था हमारा कौन सा अभी जो पड़ा नेस्ले, देन है हमारा दोस्तों गोल्डमैन सैक्स, है ना, गोल्डमैन सैक, एंड कौन सा है बताओ, तो इसका 1850 में आया था अमेरिकन एक्सप्रेस, ये आया था 1866 में, एंड ये आया था 1869 में। ये जब हम बार बार रिवाइज करेंगे ना तो आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। देखो जब अरिजीत सिंह का गाना आया था, तुम ही हो अब तुम ही हो, है ना, ये जो गाना आया था, ये क्या आपको पहली बार में याद हो गया था क्या, आपने पहली बार सुना एंड पूरा गाना याद हो गया, ऐसा होता है क्या, नहीं, आपने फिर उस गाने को हर दिन सुना,
हर दिन रात को सोते समय आपने सुना, हर दिन आप रात को उसके ख्यालों में सोते थे, है ना, और वो सुनते 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 आपको याद हो गया। बस उसी तरह से दोस्तों जो है आपको क्या करना मिलेगा बताओ, आपको जो है इसको भी वैसे ही, जब मैं आपको रोज 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 थोड़ा थोड़ा ऐसा रिवाइज कराते रहूंगा तो आपको ये भी चीजें याद होना स्टार्ट हो जाएंगी, विश्वास रखें, है ना। सर ये गाना मत गाओ सर, आईजी सर की याद आ जाती है ना, आईजी सर की बात आ जाती है। यस सर, सैड सॉन्ग नहीं सुनते बोल रहे हैं खुशी जी, अच्छा चलो अच्छी बात है, आप अभी सैड सॉन्ग नहीं सुनते बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यस हाँ, तो विनय यादव जी मैंने कब मना किया कि फ्लिपकार्ट ऐड नहीं हुआ, मैंने तो पहले स्टार्टिंग में बता दिया। थैंक यू सो मच विनय जी, आपने मुझे बताया कि फ्लिपकार्ट ऐड हो चुका है, मैं अभी तक मुझे पता ही नहीं था वो चीज, थैंक यू सो मच। मैंने दोस्त पहले ही आपको बता दिया कि फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन एंड गोल्डमैन ये तीनों कंपनी पे मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मैंने अभी तो वो चीज बोली थी, है ना। कोई बात नहीं दोस्त, कोई बात नहीं, धन्यवाद, बट स्टिल थैंक यू सो मच, आप अवेयर हैं बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात क्या बताऊं कि आप नए स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं, वही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले सवाल आके पूछता है सर मैं पुराना बुक पढ़ू तो चलेगा क्या। तो ऐसी बात है, ठीक है। यस अच्छा, खुशी बोले सर नहीं सुनना चाहिए, ओके दोस्त, ओके खुशी जी, आप तुम ही हो मत सुनना, बस आप तुम ही हो गाना मत सुनना। चलिए सो आइए अब हम बातें करते दोस्तों। अच्छा तो अब देखिए, हमारी फर्स्ट नंबर की कंपनी थी अमेरिकन एक्सप्रेस, सेकंड नंबर की कंपनी थी नेस्ले, थर्ड नंबर की कंपनी गोल्डमैन, तो मैंने वो अभी पढ़ाया नहीं, बाद में अमेंडमेंट में पढ़ाऊंगा। अब हम चौथी कंपनी की बातें कर रहे हैं, ये रेलेवेंस है नंबर का, चौथी नंबर की कंपनी की बात कर रहे हैं IBM। तो 1910 में सिर्फ एक ही कंपनी आई थी, 1910 में सिर्फ एक ही कंपनी आई थी, कौन सी बताइए आपकी, IBM आई थी, राइट, IBM आई थी। यस ठीक है चलिए देखते हैं, अब जो है आगे बढ़ते दोस्तों, इसमें बातें करते हैं। IBM जो है इसका सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन ईयर याद रखेंगे 1911, न्यूयॉर्क में है IBM का हेडक्वार्टर। इसके चेयरमैन प्रेसिडेंट CEO का नाम क्या है बताओ जल्दी से, अरविंद कृष्णा जी है, अरविंद कृष्णा। बहुत ज्यादा अच्छी बात है दोस्तों ये, क्योंकि अरविंद कृष्णा जी जो है ये इंडियन ओरिजिन के हैं, क्या है बताओ, इंडियन ओरिजिन के हैं, इनका जन्म इंडिया में ही हुआ है। अभी इनकी नेशनैलिटी वैसे तो अमेरिकन हो चुकी है, लेकिन इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ है, आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनके जो फादर थे वो क्या थे बताओ, आर्मी में जनरल थे, मेजर जनरल थे इनके फादर, राइट। एंड जो है इन्होंने अपनी पढ़ाई की पूरे इंडिया में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह इन्होंने किया। देन ये PhD करने के लिए USA में गए थे PhD करने के लिए, एंड जब उन्होंने वहां से PhD कर ली PhD की, उसके बाद IBM कंपनी में इन्होंने, इनका कुछ 1997 में आई गेस इन्होंने स्टार्ट किया अपना जर्नी IBM वाले कंपनी में। एंड देन आज इतने समय बाद 23 साल के बाद अब वो इस कंपनी के चेयरमैन प्रेसिडेंट CEO बन चुके हैं। कितनी जबरदस्त बात है ना, है ना, कितनी जबरदस्त बात है। ऐसे आपको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी ऐसे ना लोगों के बारे में थोड़ा सा रीड किया कीजिए, कि जो ऐसे बड़े बड़े लोग हैं ऐसे लोगों के बारे में रीड किया कीजिए, पढ़ाई किया कीजिए कि इन लोगों ने कैसे स्ट्रगल करके वो ऊपर आए, राइट। सो आपको भी क्या होता है कि लोगों को देख देख के आपको भी, फिर आप भी बहुत बार जब वैसे सिचुएशंस में आते हैं तो आपको फिर याद आता है यार देखो इस बंदे ने तो ऐसा किया था, मैं भी कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ऐसा, राइट। चलिए हाँ, तो जो लोगों को फना होना है खुशी जी उनके ऊपर ध्यान देना ही नहीं चाहिए, ठीक है, चलिए, है ना, चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए अरविंद कृष्णा जी चेयरमैन प्रेसिडेंट CEO, जेम्स जे कवनॉ, है ना, कवनॉ कौन है, जेम्स जे कवनॉ कौन है, इसके CFO है। पर आप क्या करेंगे, अरविंद कृष्णा ये वाला नाम याद रखें, ये वाला नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट, IBM हमारी लास्ट कंपनी है, इसके बाद हम MCQ क्विज स्टार्ट कर देंगे 6:15 बजे, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं कृष्णा जी, कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपको पढ़ाने के लिए, है ना, मैं हूं ना आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। यस मैं हूं ना आपको पढ़ाने के लिए। आगे देखिए जल्दी से,
अब देखिए आईबीएम का पहले फुल फॉर्म देखें, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, देखो कॉरपोरेशन लिखा है, अरे 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 सर एलएलसी नहीं कॉरपोरेशन लिखा, तो ठीक है ना कॉरपोरेशन भी तो होता है, देखो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, यूएसए में हम आईएनसी शब्द यूज कर सकते हैं, कॉरपोरेशन शब्द यूज कर सकते हैं नाम के बाद, या कॉर्प वर्ड यूज कर सकते हैं, या एलएलसी वर्ड यूज कर सकते हैं अगर हमें ऐसा डिनोट करना है कि वो एक पब्लिक कंपनी है। तो इसलिए यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जल्दी बताओ क्या लिखा है यहाँ पे, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, तो ये अमेरिका की कंपनी है एंड पब्लिक कंपनी होगी इसलिए कॉरपोरेशन शब्द दिख रहा है। फील आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना। श्रुति श्रुति मसूले जी, अगर आपको ये नोट्स की पीडीएफ चाहिए, अगर आपको ये बुक्स चाहिए मेरी, तो आप कहां से मिलेंगे आपको, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा अन अकेडमी को यूजिंग द कोड एम वी सर। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं अन अकेडमी को तो वहां पे हमारा मिशन सक्सेस बैच जो अभी ज्वाइन चल रहा है उसे ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे हमारे सारे फैकल्टीज के नोट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। यस, तो सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है वो मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में बताता हूँ, ओके दोस्त। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अब हम बातें करेंगे इसकी आईबीएम की, बातें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आईबीएम की बातों पे। ओके सर, ओके आगे बढ़िए। देखिए इट इज अ मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी, टेक कंपनी है, आईटी कंपनी है, ठीक है। आईबीएम जो है दोस्तों बहुत सारी चीजें बनाती है, जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर, मिडलवेयर, सॉफ्टवेयर, होस्टिंग एंड कंसल्टिंग सर्विसेज, अलग अलग टाइप के सारे सर्विसेज देती है टेक से रिलेटेड। ये वाला दोस्तों इंपॉर्टेंट है जो कि एमसीक्यू आ सकता है, वो ये है, इट होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट पेटेंट्स जनरेटेड बाय अ बिजनेस। सबसे ज्यादा पेटेंट्स जनरेट करती है, बहुत ज्यादा इन्वेंशंस के ऊपर फोकस करती है वाली कंपनी, हर साल कुछ ना कुछ नई नई चीजें इन्वेंट करती ही रहती है, इसीलिए इसके नाम से बहुत ज्यादा पेटेंट्स रजिस्टर्ड है, है ना, इसका रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। अब इनके कौन से इन्वेंशंस इन्होंने किए हैं वो देखते हैं। इन्होंने एटीएम वाला मशीन जो है वो इन्होंने बनाया है, ऐसा ये बोलते हैं कि ये इन्वेंटर है। अगर आप एटीएम के बारे में विकिपीडिया पे पढ़ोगे, अगर आप पढ़ोगे एटीएम के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है। एक्चुअल में बहुत सारी कंपनीज है जो बोलती है कि मैंने इन्वेंट किया एटीएम, ऐसा होता है, है ना, जिसमें से आईबीएम भी एक कंपनी जो बोलते है कि मैंने एटीएम को इन्वेंट किया है, जिसमें से तुम पैसा निकालते ना वो होता है एटीएम, तो ऐसा आईबीएम वाले बोलते हैं। तो ठीक है, आपके बुक में भी लिखा है तो मान लो ना उन्होंने किया है, हमको एमसीक्यू में अगर आया कि एटीएम को किसने इन्वेंट किया तो चुपचाप आईबीएम को ही टिक मारना। समझ मारी बात है क्या बोल रहा हूं, यस समझ मारी बात है। सर कितने दिन बाकी है पेपर को, है ना, सिर्फ उतने दिन बचे हैं जिसमें आपकी पढ़ाई हो जाएगी, उतने ही दिन बचे हैं, तो पढ़ना चालू कर दो बेटा, है ना। तो देखें एटीएम, पीसी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड, वो जो आपने का एटीएम कार्ड में नहीं, वो ऐसा ब्लैक कलर की स्ट्राइप होती है, स्ट्रिप होती है, वो क्या होता है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड, वो भी आईबीएम ने ही पहले बनाया था, ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज साहिल जी, एक्चुअल में जो है इंस्टीट्यूट ने अभी तक बताया नहीं है एग्जाम डेट्स, तो बता नहीं सकते, पर वैसे तो 11th जून के बाद ही होने वाला है, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट वीक ऑफ जून में होगा मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम, ठीक है। चलिए पर अभी डेट्स आने दीजिए पहले। नेक्स्ट देखिए, हाँ अब आईबीएम का जो इंडिया में जो है, इंडिया में जो वो है सब्सिडरी, तो उसका नाम क्या बताओ, आईबीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये इंडियन सब्सिडरी है आईबीएम की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आईबीएम इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, देखो आईबीएम इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, संदीप पटेल जी, संदीप पटेल आईबीएम इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर है, प्लीज याद रखें। सर आईबीएम इंडिया में आया कैसे, आईबीएम ने 1992 में टाटा कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर किया था जिसका नाम था टाटा इंफॉर्मेशन सिस्टम लिमिटेड, उसके वजह से आईबीएम इंडिया में आया एंड देन उसने अपना अलग से चालू किया आईबीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। क्या बात है, समझ में आ रही है, संदीप पटेल याद रखना है। साहिल जी मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक 70 days प्लान बनाया हुआ है जो कि इस यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, 70 days प्लान, 70 days स्ट्रेटेजी। अब वैसे 90 days अगर बचे हैं तो भी 70 days में पहले पढ़ाई पूरी कीजिए, फिर आपको रिवीजन के लिए मौका मिलेगा, है ना, तो वो 70 days वाला मेरा वीडियो देख लीजिए, ठीक है, यस 70 days वाला वीडियो देख लीजिए, ओके साहिल जी। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब जो है IBM कंपनी बनी कैसे, इसके चार हिस्टोरिकल माइलस्टोन है। अब ये हिस्टोरिकल माइलस्टोन है तो इसको याद मत रखिए क्योंकि पॉसिबल नहीं है सब चीजें याद रखना ये वाली, ठीक है। इसमें क्या याद रखना है वो मैं आपको बता दूंगा, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा इज्जत दे देते हैं पढ़ के, कि जूलियस पिटरथ ने जो है कंप्यूटिंग स्केल बनाया था, इन्वेंट किया था सबसे पहले 1885 में। देन अलेक्जेंडर डे ने डायल रिकॉर्डर बनाया था, हरमन होलेरिथ ने इलेक्ट्रिक टैबुलेटिंग मशीन बनाई थी, विलियर्ड बंडी ने भी कुछ तो भी क्या बनाया था बताओ, टाइम क्लॉक बनाया था टू रिकॉर्ड वर्कर्स अराइवल एंड डिपार्चर टाइम। अब ये चारों नाम आपको याद होने में थोड़ी सी दिक्कत होगी तो इसलिए याद मत करें, सिर्फ सुन लीजिए कि ये चारों लोगों ने ऐसी सारी चीजें बनाई एंड इन चारों कंपनीज को, इन चारों की जो कंपनी थी ना उसको मर्ज किया गया, इसको अमालगमेट किया गया, मर्ज किया गया और पांचवी कंपनी बनाएगी दोस्तों, क्या चारों को मिला के कंपनी बनाएगी जिसका नाम था दोस्तों कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। ये आता है एमसीक्यू में कि IBM कंपनी का पुराना नाम क्या था, IBM कंपनी का पुराना नाम क्या था, कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, ये IBM का पुराना नाम था, ये एमसीक्यू में आता है। एंड देन इसका कंपनी का नाम कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के बाद 1924 में इस कंपनी का नाम हो गया दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM, जो कि आज आपको नाम दिख रहा है यहां पे, ठीक है। आखिरी चीजें देखिए जल्दी से, इसका विजन मिशन आप देख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है विजन मिशन, प्रोडक्ट्स का भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रैंकिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 38th रैंक है फॉर्च्यून 500 में, 51st रैंक है लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन में, 11th रैंक है बेस्ट एम्प्लॉयर के उसमें। अब आपके बुक में ये तीन चीजें नहीं लिखी है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए कि IBM ने कौन सी कंपनीज को अक्वायर किया है। तो इस पे क्योंकि एमसीक्यू इंस्टीट्यूट पूछता है इसलिए बोल रहा हूँ लिख लो, पिछले बुक में लिखा था, इस बुक में नहीं लिखा है, तो अब आप नोट कर लो। ये ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखे कि IBM कंपनी ने अजाइल 3 सॉल्यूशंस, रैवी टेक्नोलॉजीज, सनोवी टेक्नोलॉजीज, लॉम्बार्डी एंड रेड हैट, इन सारी कंपनीज को अक्वायर किया है, सिर्फ इतना लिख लीजिए, इतना नोट कर लीजिए प्लीज। क्या आप सबने इसको नोट कर लिया है प्लीज मुझे बताइए, क्या आप सबने इसको नोट कर लिया है प्लीज मुझे बताइए जल्दी से, यस। एंड यहां में दोस्तों मैं इस वीडियो को करता हूं एंड। हमने इस वीडियो में कौन सी कंपनीज का डिस्कशन कर लिया है बताइए, हमने जो है दोस्तों इस वीडियो में, हमने इस वीडियो में नेस्ले की बात की, IBM की बात की। अब अगले वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि समरी पहले से ही बना के ला लूं एंड हम अगले वीडियो में ये सारी कंपनीज की बातें कर लेंगे, ताकि हम बाद में क्या करें, जल्द से जल्द रिवीजन करें ग्लोबल कंपनीज का एंड देन मैं आपको अमेंडमेंट वाली जो मतलब नई वाली जो कंपनीज आई है उसके ऊपर अलग से एक लेक्चर दे दूंगा एंड देन हम नया चैप्टर चालू कर देंगे यूट्यूब एंड स्पेशल क्लासेस पे, यस। एंड अब आप सबको पता है आपको कहां पे आना है, आप सबको आना है दोस्तों, आप सबको आना है कहां पे बताइए, कौन बनेगा इकोनॉमिक्स किंग या क्वीन, है ना, किंग या क्वीन जो भी है, देखते हैं कौन बनता है दोस्तों इकोनॉमिक्स का किंग या क्वीन। आज 6:15 बजे क्लास स्टार्ट हो रहा है हमारा अनअकैडमी ऐप पे, जल्द से जल्द आइए, 5 से 6 मिनट में वो क्लास वहां पे स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू सो मच, मुझे जरूर बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा है, अगर आप रिकॉर्डेड देखते हैं लेक्चर्स तो कमेंट करके बताइए, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज, मुझे फॉलो कर लेना अनअकैडमी ऐप पे, फॉलो करने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पेरेंट्स को स्क्रीनशॉट बताइए बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का एंड अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप क्या करेंगे, MBSIR कूपन कोड यूज करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, मिलते हैं ठीक 6:15 बजे ऑन अनअकैडमी ऐप्स स्पेशल क्लास, बाय बाय।